विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में गठबंधन के कयासों को बल मिल रहा है। सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं, तो सीएम ने कहा है कि अगर कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन होता है तो विधानसभा की 403 सीटों में से 300 से अधिक पर हमें जीत हासिल हो सकती है। यहां अखिलेश ने बीएसपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों से ही मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि तमाम अफवाहों के बीच नेताजी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया था। मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कहा था कि गठबंधन नहीं केवल पार्टियों का एसपी में विलय हो सकता है, लेकिन अब एक बार फिर अखिलेश ने गठबंधन के संकेत दिए हैं। साथ ही अखिलेश ने सुझाव भी दिया है कि अगर कांग्रेस गठबंधन चाहती है तो उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि वह कम सीटों पर चुनाव लड़े। अखिलेश ने कहा कि केवल नफा नुकसान सोचने से यूपी में गठबंधन नहीं चल सकेगा। हालांकि इन तमाम बातों के बीच अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया है कि गठबंधन का अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ही लेंगे। तो यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन अब नेताजी क्या फैसला लेते हैं? वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर अपनी अलग राह पर ही कायम रहते हैं, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।